सब्सक्राइब कीजिए बॉन्गटेक चैनल को और टेक्निकल से रिलेटेड एग्जाम के सारे अपडेट्स पाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आपको बॉन्गटेक में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में मैं आपको बताऊंगा आरसीसी कोड का जो IS 456/2000 है उसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हर एग्ज़ाम में काम में आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन मैंने बताया था, इससे पहले कुछ पॉइंट्स बताया था, तो आज दूसरा है, दूसरा दिन मैं बता रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने सारे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए, SSC, KMC, ऐसा बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम है, इसरो का भी, उसमें बहुत आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िएगा ये और ये सुनिएगा और एंड तक वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए इधर देखिए। स्ट्रिपिंग टाइम पॉइंट नंबर 11.3, स्ट्रिपिंग टाइम, इसको पढ़ना है ध्यान से। इसका क्या है, शटरिंग जो बोलते हैं फॉर्म वर्क, उसको खोलने का टाइम कितना है। इधर देखिए वर्टिकल फॉर्म वर्क, टू कॉलम्स, वॉल्स, बीम्स, इसका टाइम कितना है। हम लोग 16 to 24 आवर्स के बाद इसको स्ट्रिप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंट बी, सोपिट फॉर्म वर्क टू स्लैब्स, प्रॉप्स टू बी रिफिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, इसका क्या कर सकते हैं, 3 दिन में खोल सकते हैं स्लैब का, लेकिन जो प्रॉप्स है उसको फिर से लगा देना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सॉफिट है, सॉफिट जो बीम का नीचे का हिस्सा है और स्लैब का, उसको हम लोग सॉफिट बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्मवर्क का तो पता ही है आपको, जो शटरिंग बोलते हैं, शटरिंग उसको फॉर्मवर्क बोलते हैं। और बीम का कितना है, बीम 7 डेज, 7 डेज के बाद उसको खोलना है। स्लैब का देखिए ऐसे ही पॉइंट डी में, स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर, इसका कितना दिन है, 7 डेज है। स्पैनिंग अप टू ओवर 4.5 मीटर, इसका है 14 डेज। प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस, इधर देखिए एक नंबर पॉइंट ई का जो है, ई का एक नंबर पॉइंट है, स्पैनिंग अप टू 6 मीटर, इसको 14 डेज में खोलना है। स्पैनिंग अप टू ओवर 6 मीटर से क्या है, 21 डेज में। ये पूरा आपको याद कर लेना है, ये पूरा टेबल, टाइप ऑफ फॉर्म वर्क एंड मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्म वर्क इसको। ठीक है, और इधर देखिए पॉइंट डे जो वर्टिकल फॉर्म वर्क टू कॉलम, इसमें 16 to 24 आवर्स है। ये नया कोड है IS 456/2000 और IS 456/1978 उसमें ये क्या था, 24 to 48 आवर्स, 1 to 2 दिन तक। अब कोड बदल चुका है तो हम लोग को भी अपडेट होना पड़ेगा कोड के साथ, तो यही याद रखिएगा 16 to 24 आवर्स है, बाकी सब एक ही है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब इधर देखिए इफेक्टिव स्पैन है, इसको भी पढ़ना है पॉइंट ए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना है इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, ये भी पढ़ना है और इधर आ जाइए टी बीम एंड एल बीम, टी बीम पढ़ना है, इसका जो फॉर्मूला है वो भी याद रखना है, फॉर्मूला बहुत आता है टी बीम का, लेकिन एल बीम का उतना ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब टी बीम का याद रखिए फॉर्मूला,
इधर देखिए टीबीएम का जो फॉर्मूला है, फॉर टीबीएम बीएफ इज इक्वल टू एल जीरो बाई सिक्स प्लस बीडब्ल्यू प्लस सिक्स डीएफ, सिर्फ ये याद रखना है आपको। अब इधर देखिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल, स्पैन टू इफेक्टिव डेथ रेशियो ये जो है 0.23.2.1, बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर, कैंटिलीवर के लिए कितना है 7 है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या है 20 है, कंटिन्यूस बीम के लिए है 26। अगर ये स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा हुआ तो क्या करता है, क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 बाय स्पैन से, ठीक है याद रखना। इधर देखिए मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम, ये भी पढ़ना है आपको, पॉइंट नंबर 25.4, ठीक है यह है, ये 500 अनसपोर्टेड लेंथ है। अनसपोर्टेड लेंथ क्या है, फ्लोर से सीलिंग तक एक कॉलम का जो लेंथ है, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, ध्यान से सुनना, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक जो लेंथ है इसी कॉलम का, उसको कहते हैं अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए कॉलम, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी का अनसपोर्टेड लेंथ बाई 500, अब उसको कैपिटल एल से भी डिनोट कर सकते हैं, एल बाई 500 प्लस, और जो लेटरल डायमेंशन है प्लस लेटरल डायमेंशन बाई 30, मतलब बी बाई 30, एल बाई 500 प्लस बी बाई 30, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इधर देखिए डेवलपमेंट लेंथ क्या है, डेवलपमेंट लेंथ को हम एल डी से डिनोट कर सकते हैं, तो एल डी इज इक्वल टू क्या है, फाई इंटू पाई, फाई इंटू सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी। इधर जो पॉइंट है लैप स्प्लाइसेस, लैपिंग क्या है, लैपिंग ऑफ बार्स लार्जर देन 36 एमएम में भी परमिटेड, ठीक है अगर 36 से एक्सीड करता है तभी हम लोगों को लैपिंग देना पड़ता है। अब देखिए इधर टेंशन में लैपिंग कितना है 35, फाइव का मतलब क्या है डायमीटर ऑफ द बार, 30 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। अब इधर देखिए टेंशन में हुआ, अब कंप्रेशन में कितना है वो 24/5, ठीक है ये सब पढ़ना है। इधर देखिए स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट ये भी पढ़ना है। ये कवर है 0.26.4 नॉमिनल कवर टू रेनफोर्समेंट, नॉमिनल कवर है, नॉमिनल कवर इसको ठीक से पढ़ना है और याद कर लेना है। अब इधर देखिए मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट, शियर रेनफोर्समेंट क्या है, ए एस बी बाई बी एस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4/87 FY, तो ये शेयर इन्फोर्समेंट क्या क्या हो सकता है, वर्टिकल स्टीरअप, पेंटा बार्स और क्या है ये दो है। शेयर इन्फोर्स हम लोगों को क्यों देना पड़ता है शेयर इन्फोर्समेंट, या डायगोनल क्रैक है जो उसके लिए शेयर इन्फोर्समेंट देना पड़ता है। डायगोनल क्रैक क्या है,
बीम का सपोर्ट में जो शियर फोर्स है, शियर फोर्स के लिए सपोर्ट में शियर फोर्स ज़्यादा है, इसलिए डायगोनल क्रैक्स कहाँ ज़्यादा होती है, बीम का जो सपोर्ट है सपोर्ट में, सपोर्ट से 45 डिग्री से लेकर मिडिल तक वो 90 डिग्री क्रैक हो जाती है, ठीक है, याद रखना। चलिए इधर देखिए, पीच एंड डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, इसको भी पढ़ना है, डायमीटर कितना है, ये सब। एक सर्कुलर कॉलम के लिए कितना बार लगता है, एक स्क्वायर कॉलम के लिए कितना लगता है, ये भी याद रखना है। सर्कुलर के लिए 6 है, हेलिकल कॉलम के लिए भी क्या है, हेलिकल जो है उसके भी 6 लगता है बार्स, मेन बार, ठीक है, ये सब याद रखना है। एक्सपेंशन जॉइंट्स, इस पॉइंट को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आज ही तक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हर रोज़ मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आ सकता हूँ, ठीक है।